बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर माय थर्ड लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ रीकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज नेशनलिज्म, नेशनलिज्म क्या होता है, इसकी क्या तारीफ है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इसका कदीम और जदीद नुक्ता नज़र क्या है। द सेकेंड पॉइंट वॉज एवेल्यूएशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। एवेल्यूएट कैसे हुई, बनी कैसे, दो कौमी नज़रिया कैसे वजूद में आया, जहाँ पे सदियों से एक खत्ता ज़मीन पे बरे सगीर में दो कौमें रह रही थीं, क्यों उनमें दो कौमी नज़रिए ने जन्म लिया, वो क्या हालात थे, वो क्या वाक़ियात थे, उनमें क्या फैक्टर्स थे, क्या एलिमेंट्स थे जो के वजह बने, दो कौमी नज़रिया की बुनियाद बने। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की हैं। डिफरेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। मुसलमानों और हिंदुओं में हर सतह पर इख्तलाफात मौजूद थे, समाजी, माशी, माशरती, मज़हबी, हर लिहाज से ये दो अलग अलग कौमें थीं। और ये कौन कौन से उनमें नुमाया फ़र्क थे, ये सारे फ़र्क हमने पिछले लेक्चर में उनको तफसील के साथ डिस्कस किया है। द नेक्स्ट पॉइंट वॉज हिंदू नेशनलिज्म। जहाँ पर एक मुस्लिम नेशनलिज्म का तसव्वुर उन दिनों उभरा, उन्हीं दिनों एक हिंदू नेशनलिज्म का तसव्वुर भी बरे सगीर में बड़ी शदोमत के साथ शुरू किया गया। जब दोनों कौमों ने अपने अपने नेशंस, अपनी अपनी कौमों के अंदर अपने एक अलग अलग कौमियत के जज्बे का प्रचार शुरू किया, तो ये सारी चीज़ें भी नेशनलिज्म की बुनियाद बनी। और जब नेशनलिज्म दोनों कम्युनिटीज़ में आ गया, तो इस नेशनलिज्म की बुनियाद के ऊपर नज़रिया बना, यानी थ्योरी बनी, नज़रिया पाकिस्तान, जैसे हमारे लिए नज़रिया पाकिस्तान बना, नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद के ऊपर तहरीक पाकिस्तान चली, तहरीक पाकिस्तान के नतीजे के तौर पर पाकिस्तान वजूद में आया। इसी तरह से हमने जो कंक्लूड किया वो ये कंक्लूड किया था, जो हमने सारी बहस से नतीजा अखज किया था, वो ये था कि देर वॉज एन अनब्रिजेबल गल्फ बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, द टू कम्युनिटीज़ वर डिस्टिंक्ट फ्राम ईच अदर आइडियोलॉजिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली। हमने ये नतीजा अखज़ किया था, ये हमने कंक्लूजन किया था कि ये दोनों कौमें, सारी बहस करने के बाद हमने इस बात से ये नतीजा अखज़ किया था कि ये दोनों कौमें अलग अलग धारों में सफ़र कर रही थी। जो हिंदू थे उनकी माशी और समाजी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी मुसलमानों की माशी और समाजी ज़िंदगी के लिहाज से। उनका आपस में मेल जोल नहीं था, उनमें आपस में रिश्तेदारी नहीं थी। वो लोग अपनी अपने जो मज़हबी त्यौहार थे वो अलग अलग मनाते थे, उनकी मज़हबी रसूमात एक दूसरे से अलग थीं। जो एक 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 ग्रुप के नज़दीक जो मज़हबी रस्म थी जिससे वो अकीदत रखते थे, दूसरे ग्रुप के नज़दीक वो उसकी वो अहमियत ना थी। यही वजह है कि बात बात पर तनाज़ात शुरू हो जाते थे और बसा औकात ये सारे तनाज़ात जो हैं वो खूनी फसादात की शक्ल इख्तियार कर लेते थे। इसके लिए मुसलमानों की जमात ने ख़ास तौर पर यह सोचा कि हम अगर एक कौम हैं तो हमारे लिए एक अलहदा वतन का क़्याम ज़रूरी है। जबकि दूसरी तरफ हिंदुओं के जहन में भी एक अपना नज़रिया पनप रहा था और वो ये चाहते थे कि इनको अलग तो ना करें, इनको एक अकलियत की हैसियत से हम अपने साथ रखें और इनके ऊपर हम एक डोमिनेटिंग पावर की तरह इस कम्युनिटी के ऊपर रूल करें। जबकि ये बात मुसलमानों को कतन पसंद नहीं थी, क्योंकि मुसलमानों ने बरे सगीर में दाखिले के बाद ही यहाँ पर हमेशा हुकूमत की थी और नफसियाती लिहाज से ये बहुत मुश्किल था कि वो हिंदू सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर लेते। तो इस बात का हल मुसलमान की आदत ने यही निकाला कि हमें अपने अलहदा वतन का मुतालबा करना चाहिए। और यही वजह बनी मुस्लिम नेशनलिज्म की, जो कि मुसलमानों के दरमियान एक तहरीक की शक्ल में शुरू हुआ। और इसी तहरीक
के नतीजे में हमने पाकिस्तान, हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो हासिल किया। अब आपने देखा होगा कि इसके पीछे ये नज़रिया या आइडियोलॉजी एक दिन में नहीं बनी, नज़रिया बनने में सदियां लगती हैं। और इससे पहले मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि अलबिरूनी ने सबसे पहले इस बात का ज़िक्र किया था अपनी किताब अल हिंद में कि यहाँ पर दो मुख्तलिफ तरह की कौमें बसती हैं और इन दोनों का बूदोबाश या रहन सहन बिल्कुल यकसर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, जिसको बाद में आने वाले बहुत सारे स्कॉलर्स ने, बहुत सारे अहले इल्म लोगों ने भी महसूस किया और अपनी अपनी किताबों में उसको दर्ज किया, जिसके कई तारीखी हवाले हमारे पास मौजूद हैं। हमें इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि नज़रिया पाकिस्तान जो है ये कोई कोई दोमालाई कहानी नहीं है, ये कोई महज़ एक किस्सा नहीं है, ये कोई एक दो दिन में बनी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि नौजवान नस्ल के जहन में बिल्कुल ये बात रोज़े रोशन की तरह या क्लियर होनी चाहिए कि दो कौमी नज़रिया जो है उसकी एक बड़ी ठोस बुनियाद है और इसकी ठोस ये बुनियाद ठोस वजूहात की वजह से बनी है। इसके इसको नई नस्ल को बताने की ज़रूरत है और इसीलिए पाकिस्तान स्टडीज़ के कोर्स में सबसे पहले इस टॉपिक को रखा गया है। इसी तरह से एक चीज़ जो इस वक्त आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि जी दो कौमी नज़रिया की बुनियाद के ऊपर हमने नेशनलिज्म जो है वो मुसलमानों में है, यानी कौमियत बनी है, मुसलमानों ने अपने आप को एक कौम डिक्लेयर किया, तो क्या इसकी ज़रूरत आज भी है? तो इस सवाल का जवाब मैं देती चलूँ, क्योंकि अक्सर तालिब इल्म ये सवाल आज उठाते हैं कि जी हाँ, बड़ा क्लियर कर लें अपने जहन को, बहुत बहुत ही सोच के साथ इस चीज़ को समझें कि जी हाँ बिल्कुल इस नज़रिया की ज़रूरत आज भी है। हमें, मैं ये नहीं कहती कि हमें इस बात को जहन में रखते हुए किसी किस्म के तासुब को अपने जहन में रखना चाहिए, हमें किसी तासुब को अपने जहन में नहीं रखना चाहिए, हमें अपने पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने चाहिए, अपने जो एक पड़ोसी के, एक अच्छे पड़ोसी के दूसरे अच्छे पड़ोसी के साथ हो सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब हम माशरे में भी रहते हैं तो ताल्लुकात की नौयत मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ तरह की होती है। अब ये आपके अपने ऊपर मुनहसर है, आपकी सोशल सेंस के ऊपर मुनहसर है कि आपको ये मालूम हो कि आपने किसके साथ किस हद तक ताल्लुकात रखने हैं। मिसाल के तौर पर आपके कुछ लोगों के साथ इस तरह के ताल्लुकात होंगे जो कि जब वो आपके घर आते हैं तो आप उनके लिए अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं, आप उनको अपने घर के अंदर लेके, जैसे आपके खाला, चचा, मामू, दादा, दादी, नाना, नानी, जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, जब वो आपके घर आते हैं तो आप उनको अपने घर में लेके जाते हैं, उनको आपके घर के अंदर हर कमरे में, आपके बेडरूम में, आपके किचन में, यानी सहन में, हर जगह उनको जाने की इजाज़त होती है और उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती और ना ही आप इसका बुरा मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आपके ताल्लुकात की नौयत इस तरह की होती है कि आप उनके लिए सिर्फ एक मखसूस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, जिसको ड्राइंग रूम कहते हैं आप, या बैठक कहते हैं, या मुख्तलिफ इलाकों में इसके लिए मुख्तलिफ तरह के लफ्ज़ हैं जो कि, लेकिन उससे मुराद यही है कि आप उनको घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ जाने की इजाज़त नहीं होती, या आप उनको बहुत हद तक अपने ज़ाती मामलात से अलग रखते हैं, लेकिन आपके उनके साथ बहुत अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब हम यही असूल मुल्कों की सतह पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी हमें ये चाहिए कि इस बात को अपने जहन में रखें कि हमने किस मुल्क के साथ किस हद तक ताल्लुकात रखने हैं। दोस्ती ज़रूर रखें, अपने तजारती ताल्लुकात ज़रूर रखें, लेकिन ये पहचान के रखें कि आपकी जो नेशनल आइडेंटिटी है वो कैसे मेंटेन रह सकती है, आपकी नेशनल आइडियोलॉजी जो है उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको पता है कि जो फिर ग्लोबलाइजेशन के इशू हैं, या जो आजकल ये कहा जा रहा है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज में, एक आफाकी गांव में जो है वो तब्दील होती जा रही है, तो उस गांव में आपने अपनी शिनाख्त कैसे बरकरार रखनी है, ये एक अहम सवाल है जो कि
आपको हमेशा अपने पेश नज़र रखना चाहिए. वी नीड टू मेंटेन आवर आइडेंटिटी विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउडेज बिकॉज नाउ मीडिया प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ वेरी स्ट्रांग एंड यू कैन वॉच डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम डिफरेंट टी वी चैनल्स एंड बट यू शुड नो इफ यू आर अवेयर इफ यू हैव एनफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर आइडेंटिटी then there is no harm to watch these programs. मतलब ये कि आजकल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है टीवी चैनल्स हैं आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से ले रहे हैं और आप देख रहे हैं. लेकिन अगर आपका जहन बिल्कुल साफ है क्लियर है कि आपको पता है कि आपका नज़रिया क्या है आप किस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं इस कौम ने इस वतन को हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और अगर आपकी पाकिस्तान के असास के मुतालिक नज़रिया पाकिस्तान के मुतालिक अगर आपका जहन बिल्कुल साफ़ है मजबूत है तो फिर इन प्रोग्रामों को इन टीवी चैनल्स को इन सारी चीज़ों को देखने में कोई हर्ज नहीं. लेकिन अगर आपके ये ख्यालात जो हैं वो मैच्योर नहीं हैं अगर उनमें पुख्तगी नहीं है तो फिर ये डर है कि कहीं आप भटक ना जाएं कहीं आप इस जज्बात की रो में इस मीडिया की रो में बह ना जाएं. इसलिए ज़रूरी है कि ग्रेजुएशन लेवल पे पाकिस्तान स्टडीज़ के कोर्सेज़ में कोर्सेज़ के ज़रिए तलबा और तालबात को ये इसकी अहमियत बताई जाए कि नज़रिए की क्या अहमियत है नेशनलिज्म की क्या अहमियत है. तो इस लेक्चर जो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में इस चीज़ की वजाहत की गई है. और आज का जो लेक्चर है उसका जो टॉपिक है वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एज अ वेलफेयर स्टेट. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में हमने पहले लेक्चर में भी बात की थी जिसमें हमने इस बात की वजाहत की थी कि असल में हमारी जो बुज़ुर्ग क़यादत थी जिन्होंने हसूल पाकिस्तान में हमारी मदद की और जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान को बहुत मजबूती के साथ बड़ी हिकमत के साथ आगे बढ़ाया और जिसके नतीजे में पाकिस्तान वजूद में आया उनके जहन में पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल थे कि पाकिस्तान हम क्यों हासिल करने जा रहे हैं. उसमें जो सबसे नुमाया पहलू है वो ये है कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट का दर्जा दें. अब वेलफेयर स्टेट क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए. चलिए आइए देखते हैं इसके लिए कुछ मेरे पास इसकी तारीफें मौजूद हैं कि वेलफेयर स्टेट कहते किसको हैं. लेट अस लुक एट दिस डेफिनेशन. अ वेलफेयर स्टेट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स एवरीवन टू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. मुराद ये कि वेलफेयर स्टेट या फलाही रियासत उस गवर्नमेंट के उस निज़ाम को हुकूमत के उस निज़ाम को कहा जाता है जिसमें मुख्तलिफ तरह के इदारे काम करते हैं और जिनके काम करने का मकसद ये होता है कि वह ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बना सकें. यानी हुकूमत का करने का मतलब ये है हुकूमत का मतलब ये है स्टेट का मतलब ये है कि जो हुकूमत के अंदर इदारे काम कर रहे हैं हर इदारे का जो है वो काम करने का मकसद जो है वो लोगों की मदद करना है लोगों को सहूलत फराहम करना है. एन अदर डेफिनेशन इज़ अ वेलफेयर स्टेट इज़ अ गवर्नमेंट दैट प्रोवाइड्स फॉर द प्रॉस्पेरिटी और द वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स कम्प्लीटली. इस दूसरी तारीफ में ये बात कही गई है कि वेलफेयर स्टेट या फलाही रियासत उस गवर्नमेंट को कहते हैं या फलाही रियासत से मुराद ऐसी गवर्नमेंट है ऐसी हुकूमत है जो के अपने आवाम को प्रॉस्पेरिटी या खुशहाली दे और उसकी बेहतरी के लिए काम करें और जिसका मुकम्मल जो मकसद है जिसके क्याम का मकसद जो है जिस हुकूमत के क्याम का मुकम्मल मकसद जो है वो लोगों की फलाह व बहबूद का ख्याल रखना हो. इसी तरह से हम एक तीसरी तारीफ को देखते हैं कि इट इज़ अ स्टेट इन विच द गवर्नमेंट एज्यूम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग फॉर एवरी सिटीजन. यहाँ पर भी ये भी बात तकरीबन कमोबेश इसी तरह से बयान की गई है कि स्टेट इट इज़ अ स्टेट इन विच ये एक ऐसी हुकूमत को कहा जाता है ये एक ऐसी हुकूमत का नाम है वेलफेयर स्टेट जो जिसमें कि जो गवर्नमेंट है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो
हर सतह पे एक एक मिनिमम जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर एवरी सिटीजन के हर एक जो कम से कम जो उसकी सतह है उससे लेके बड़ी से बड़ी काम बड़ी से बड़ी सहूलत तक वो लोगों की फलाह का ख्याल रखे। इसी तरह से एक और तारीफ है कि द टर्म वेलफेयर स्टेट यूजुअली रेफर्स टू एन आइडियल मॉडल ऑफ प्रोविजन where the state accepts responsibility for the facility of comprehensive and universal welfare for its citizens. यहाँ पर भी आप देखें कि इस तारीफ में भी तकरीबन यही कहा गया है कि welfare state या फलाही रियासत आम तौर पे इस तरह के ख्याल को कहा जाता है। ये जो वेलफेयर स्टेट का की टर्म है ये इस हवाले से इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे के हुकूमत इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि वो अपने शहरियों की सहूलत का मुकम्मल तरीके से ख्याल रखेगी। मुराद ये सब वेलफेयर स्टेट की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो मैंने मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ किताबों से और मुख्तलिफ वैलिड पब्लिश्ड पेपर्स से ली हैं और इसमें ये बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि वेलफेयर स्टेट जो है या फलाही रियासत जो है उसका मकसद आवाम को सहूलतें फराहम करना है। इसी तरह से एक और तारीफ लेते हैं। अ वेलफेयर स्टेट इज़ अ गवर्नमेंट दैट इन्वॉल्व्ड इन सिटीजंस लाइव्स एट एवरी लेवल। यानी वेलफेयर स्टेट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सहूलतें फराहम करना बल्कि हर सतह पे सहूलत फराहम करना। इट प्रोवाइड्स फॉर फिजिकल मटेरियल एंड सोशल नीड्स रादर देन द पीपल्स प्रोवाइडिंग फॉर देयर ओन। ये जो डेफिनेशन है ये इस लिहाज से पिछली डेफिनेशन से कदरे मुख्तलिफ है कि यहाँ पर सिर्फ फिजिकल सिर्फ एक सहूलतों का जिक्र नहीं किया गया बल्कि बड़े ही वजाहत के साथ ये बात बताई गई है कि किस किस्म की सहूलियात जो कि फिजिकल यानी ज़ाहिर है जिस्मानी लिहाज से जो हमारी ज़रूरतें हैं जैसे फूड है शेल्टर है क्लॉदिंग है यानी खाना पीना लिबास और रिहाइश ये बुनियादी ज़रूरतें हैं। ये किसी भी इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से चंद एक ज़रूरतें हैं। इसी तरह से मटेरियल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको इस ज़िंदगी को के मेयार को बेहतर बनाने के लिए आपके लिए ज़रूरी होती हैं जैसे तालीम हासिल करना। तो तालीम के बग़ैर इंसान नामुकम्मल है। ठीक है आपको रोटी कपड़ा घर मिल गया लेकिन इसके साथ ही आपको तालीम की ज़रूरत होती है। तालीम के साथ साथ आपको फिर तहकीक की ज़रूरत पेश आती है और अगर आप ज़्यादा सरगर्म हैं तो इससे आगे आपके आपके सामने खुला आसमान है। आप जहाँ तक चाहें आप तालीम और तहकीक के सिलसिले में आगे बढ़ सकते हैं। और लेकिन इसमें ज़रूरत इस बात की होती है कि जिस हुकूमत के तहत या जिस मुल्क के तहत या जिस स्टेट में आप रह रहे होते हैं वो इसमें आपकी मदद करें और ये जो है ये फर्ज जो है एक वेलफेयर स्टेट के अंदर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अपने सर पर लेती है। इसी तरह से सोशल नीड्स कुछ हमारी सामाजिक ज़रूरियात होती हैं जैसे कि हमें हम सोसाइटी में तो रह रहे हैं लेकिन हमें सोसाइटी में रहने के लिए खाली ये नहीं कि हम लोगों के ग्रुप में रहना शुरू हो जाएं और उस ग्रुप का कोई पता ना हो कि किस वक्त वहाँ पे क्या मसाइल शुरू हो जाएं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको एक तहफ़ का एहसास दिया जाए। तो वो तहफ़ का एहसास जो है वो सोशल नीड्स में से एक है। इसी तरह से आपको पता हो कि आप अगर किसी जगह काम पर गए हैं या पढ़ने के लिए गए हैं या किसी किसी जगह पे आप मसरूफ़ हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आपको अगर हर वक्त ये डर हो कि पीछे आपके घर में कोई मसला हो जाएगा या रस्ते में आपका मसला हो जाएगा या आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल या जो कुछ भी आपके पास है वो कहीं चोरी हो जाएगा तो आप पूरी तरह से अपने काम के पर तवज्जो मरकूज नहीं रख सकते। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि वो लोगों को एहसास तहफ्फुज़ दे। तो ये सोशल नीड्स में से एक है। इसी तरह से रादर देन द पीपल प्रोवाइडिंग फॉर देयर ओन इसी तरह से लोगों में ये जो है ये सहूलत का जो एहसास है ये पाया जाना बहुत ज़रूरी है। और एक फलाही रियासत के अंदर ये सारी की सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। इसी तरह से हिस्ट्री ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर ये वेलफेयर स्टेट का तस्वुर आया कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई क्या ये शुरू ही से मौजूद था क्या इसके लिए अगर हम तारीख का मुतालिया करें
तो जब किंगशिप पीरियड था, जब बादशाहतें हुआ करती थीं, तो वहाँ पर उस दौर में ज़्यादातर बादशाहों की ही सहूलियात का ख्याल रखा जाता था। आम आवाम के लिए जो सहूलतों का कहना चाहिए कि जो एक जो आम आवाम को कैसे सहूलतें मुहैया करनी है या उनकी भी कोई ज़रूरियात हैं, इस बात पर इतना ज़ोर नहीं दिया जाता था। बल्कि अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो आपको ज़्यादातर हालात जो हैं वो बादशाहों के ही मिलेंगे। आम पब्लिक के बारे में या आवाम के बारे में या आम लोगों के बारे में मालूमात बहुत कम तारीखी हवालों में मौजूद होती है। अलबत्ता बादशाहों के महलात, उनके करोफर, उनकी फौज, उनके लिबास, उनकी शहाना रहन-सहन, इन चीज़ों का हमें बड़ी तफसील के साथ जिक्र मिलता है। तो ये जो आम लोगों को अहमियत देना है, ये तसव्वुर कब से शुरू हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी नौजवान नस्ल को पता होना चाहिए, और इस पर आपको फ़ख्र करना चाहिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक फलाही रियासत में आम लोगों के हकूक का ख्याल कैसे रखना है। यकीनन ये सवाल अब आपके जहन में आ रहा होगा कि हाँ, ये बात तो है कि फलाही रियासत में लोगों के हकूक का ख्याल कैसे रखना चाहिए। और हमने जब पाकिस्तान हासिल किया और हम जब इसको कहते हैं कि इसको वेलफेयर स्टेट बनाना है, तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये ख्याल शुरू कैसे हुआ, जिसमें खवास के बजाय अवाम की फलाह पर जोर दिया गया। क्योंकि ये तारीख का अगर आप उठा मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग इवन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री व्हेन दैट आइडिया वाज स्टार्टेड। तो आइए देखते हैं कि इस ख्याल का आगाज कि फलाही रियासत के अंदर आम आदमी के हकूक का, आम आदमी के तहफ्फुज़ का, आम आदमी की सहूलत का ख्याल कैसे रखना है, कैसे शुरू हुआ। तो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट मेरे पास है वो है, इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट ऑफ मदीना इन 622 AD। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड सपोर्ट टू द नीडी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली इस्लामिक लॉ एज फॉर्म्स ऑफ ज़कात चैरिटी, वन ऑफ द फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम। आपने देखा, ये एजाज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा पहली इस्लामी रियासत मदीना से शुरू हुआ। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन का लकब भी दिया गया है, क्योंकि उन्होंने खवास के बजाय आम आदमी की सहूलत का ख्याल रखा। और ना सिर्फ इसमें कोई जज्बाती रंग नहीं, बल्कि इसमें उन्होंने एक हकीकत पसंदाना पॉलिसी के तौर पे एक हुकूमत के एक अहम काम के तौर पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे इसको पेश किया। और ना सिर्फ पेश किया बल्कि अमली तौर पे मदीना के रियासत के अंदर इसको कायम करके दिखाया। क्योंकि इससे पहले देर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन अरेबिया। दैट कॉन्सेप्ट वॉज स्टार्टेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट इस्लामिक स्टेट इन मदीना। एट दैट टाइम इन अरेबिया देर वॉज नो जुडिशरी, देर वॉज नो लेजिस्लेशन, देर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी पुलिस, एनी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल, बिकॉज दैट वॉज अ ट्राइबल सोसाइटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज गवर्नमेंट वॉज स्टार्टेड फर्स्ट टाइम विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना इन अरेबिया। मतलब ये कि जो मदीना की रियासत जो सबसे पहले बनी, क्योंकि अरब में कबायली निज़ाम था, और कबायली निज़ाम के अंदर आपको पता है कि उसके जो हो सकता है आपने अपनी पिछली क्लासों में अपनी इस्लामियात के कोर्स में इसको पढ़ा हो कि जो जो उस वक़्त अरब में कबायली निज़ाम था उसके तहत जो मरकज़ी हुकूमत, और फिर जैसे कि आज इस मरकज़ी हुकूमत के तस्वुर को समझना आपके लिए आसान होगा कि कमोबेश आजकल भी हम इसी निज़ाम के तहत हुकूमत में हैं और इसी निज़ाम के तहत दुनिया के बेशतर ममालिक काम कर रहे हैं। तो ये निज़ाम जो है सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का जो तसव्वुर था या एक हुकूमत का जो तसव्वुर था, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 ईस्वी में मदीना से शुरू किया।
और ये वेलफेयर स्टेट या फलाही रियासत की पहली मिसाल है दुनिया की तारीख के अंदर। इसमें जो सबसे ज्यादा नुमायां बात थी, इस बात पे जोर दिया गया कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करना है, माशरे के जो पिसे हुए लोग हैं, जो कमा नहीं सकते, जिनका जिनको कोई माजूरी है, जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं, जो बेवाएं हैं, जिनमें इतनी सकत नहीं कि वो अपने लिए काम कर सकें और काम करने के बाद उस अर्निंग से अपनी गुजर बसर कर सकें। इसके लिए इस्लाम ने जो हल बताया, अल्लाह ताला ने जो हमें हल बताया वो ये था कि हम एक एक जो दैट इज़ द वन ऑफ यू नो वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल वर्शिप इन इस्लाम। ज़कात इज़ अ फाइनेंशियल वर्शिप इन इस्लाम। तो दैट कॉन्सेप्ट वाज़ स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेट ऑफ मदीना। और इस चैरिटी के तस्वुर को, यानी आपको पता है कि आपको रमज़ान से पहले ज़कात अदा करनी होती है अपने हर साहिब हैसियत शख्स के ऊपर, हर साहिब हैसियत खातून के ऊपर, हर साहिब हैसियत मर्द के अंदर के ऊपर जो कि इस एक इस्लामी माशरे में रह रहा होता है, एक इस्लामी मुल्क में रह रहा होता है, उसके ऊपर ज़कात अदा करना फ़र्ज है। और ये ज़कात जो है उसको आगे सही तरीके से मुसलमानों के ऊपर ही खर्च करना जो है इसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वेलफेयर स्टेट का कि आम लोगों की फलाह का ख्याल रखना है, और फलाह का ख्याल कैसे रखना है, ज़ाहिर है आप लोगों की ज़रूरियात पैसे के बगैर पूरी नहीं कर सकते, और उस पैसे का इंतज़ाम जो है वो ज़कात के ज़रिए किया गया। तो ये जो सबसे पहला ख्याल है जो हमें तारीख में मिलता है फलाही रियासत के क़याम के सिलसिले में, वो मदीना की रियासत से शुरू हुआ। सेकेंडली, कंटिन्यू डेवलप्ड एंड मोर रिफाइंड ड्यूरिंग पायस कैलिफेट इन द 8th सेंचुरी, द टैक्स इंक्लूडिंग ज़कात एंड जजिया कलेक्टेड इन द ट्रेजरी ऑफ एन इस्लामिक गवर्नमेंट वर यूज टू प्रोवाइड इनकम फॉर द नीडी इंक्लूडिंग द पुअर एल्डरली ऑर्फन्स विडोज एंड द डिसेबल। यहाँ आपने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत के अंदर ज़कात तकरीबन 2 हिजरी में फ़र्ज हो चुकी थी। तो यहाँ पर लोगों की मदद का एक मरबूत प्रोग्राम जो है वो इस्लाम ने दिया कि आपने अपने माशरे में रहने वाले हर तबके का किस तरह से ख्याल रखना है, और अगर किसी को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, किसी को माली मदद चाहिए, तो आपने माली मदद कैसे करनी है और उस माली मदद का इंतज़ाम कैसे करना है, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही मुसलमानों को सिखा दिया था अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। अब जब खिलाफत राशिदा शुरू हुई, खिलाफत राशिदा में आपको पता है कि हमारे 4 खलीफा हैं, हज़रत सबसे पहले हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हो, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हो, और फिर हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो। इन चारों खुलफाए राशिदीन ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, रवायत पर अमल करते हुए ये नेक काम ना सिर्फ जारी रखे बल्कि इनमें मज़ीद बेहतरी लेकर आए। और ज़कात के साथ साथ जजिया आपको पता है उस टैक्स को कहते हैं जो कि गैर मुसलमों के ऊपर लगाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो टैक्सेस हैं, दोज़ वर कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल एंड दोज़ वर स्पेंड ऑन द पीपल हु आर नीडी एंड पुअर इन द सोसाइटी। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अकॉर्डिंग टू फेमस स्कॉलर अल गजाली 1058 to 1111, द गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू स्टोर अप फूड सप्लाइज इन एवरी रीजन इन केस अ डिज़ास्टर और फेमाइन अकर्ड। यहाँ तक तो जो आपने पिछले जितने भी हमने नकात जो हैं डिस्कस किए हैं उनमें तो ये बात बताई गई कि आखिर वेलफेयर स्टेट या एक फलाही रियासत का मतलब क्या होता है, और फलाही रियासत की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, फिर फलाही रियासत का तसव्वुर कैसे शुरू हुआ, और यहाँ पर जो फलाही रियासत के तसव्वुर के साथ के उसके हल के लिए और उसके लिए उसको मजबूत बनाने में
इस्लाम की क्या राय है, और क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ पर अलगजाली का हवाला दिया गया। अलगजाली एक मशहूर स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, जिनका जो 1058 से 1111 तक इस दुनिया में मौजूद रहे, और उन्होंने दुनिया को बहुत सारी मुफीद मालूमात दी। वो ये कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट जो है सिर्फ लोगों को सहूलतें फराहम करना या मजदूरों को, बच्चों को, बेवाओं को, यतीमों को तहफ़ देना और माली मावनत करना ही खाली उनका काम नहीं है, बल्कि उनको उनका तो विजन जो है वो बहुत उनका जो उनको तो बहुत दूर तक देखकर चलना होगा। और हुकूमत का ये कामों में से ये भी है कि आवाम की फलाह का ख्याल रखते हुए आइंदा के लिए भी मंसूबा बंदी करके रखे, और उसके पास इतना अनाज होना चाहिए जो कि अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत टूट पड़ती है, कोई कहत पड़ जाता है, कोई जलजला आ जाता है, तो हम मुसलमान हुकूमतें जो हैं दूसरों के आगे हाथ ना फैलाएं, बल्कि उनके स्टोर्स, उनके पास इतना अनाज, इतनी सहूलियात मौजूद होनी चाहिए, स्टोर करके रखी हुई होनी चाहिए, उनका ज़खीरा मौजूद होना चाहिए जो कि उस मुश्किल वक्त में उनके काम आए। ये भी एक वेलफेयर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हवाले के लिए मैंने नाम दिया है अलगजाली का। इसी तरह से अब आप ये देखें कि वेलफेयर स्टेट का तसव्वुर जो है वो कितना अच्छा है। इसमें हम अगर हम अपने अगर पाकिस्तान के आम आवाम के हवाले से देखें तो इसमें लोगों की हर जगह पे लोगों की सहूलत की बात की गई है। एक बुनियादी चीज़ से लेके एक बड़ी चीज़ तक, हाल से लेके मुस्तकबिल तक इस पर नज़र रखने को कहा गया है। तो ये एक बहुत ही गहरी सोच है। अब ये देखना है कि आखिर वेलफेयर स्टेट की क्या रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, उसके मकासद क्या होने चाहिए। तो पहली बात तो ये, द रेजोल्यूशन ऑफ द वेलफेयर स्टेट इज़ टू जनरेट इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। सबसे पहले तो ये कि एक फलाही रियासत में इस बात का तायुन होना चाहिए कि वो हर एक के लिए माशी और समाजी जो है वो मसावात कायम रखे। यानी माशी और समाजी मसावात का मतलब ये है कि कमाई करने के लिए या अर्निंग के लिए या काम करने के लिए और मुआवजे के लिए लोगों में कोई तफरीक ना की जाए, बल्कि लोगों के लिए इस बात की सहूलत मुयसर होनी चाहिए, उन्हें इस बात पे इत्मीनान होना चाहिए कि एक ऐसी निगरान हुकूमत मौजूद है, ऐसा एक निगरान निज़ाम मौजूद है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। उनको जब वो एक ख़ास काबिलियत हासिल कर लेंगे तो उनको काम करने का मौका मिलेगा, और ना सिर्फ काम करने का मौका मिलेगा बल्कि उसके मुताबिक उनको मुनासिब मुआवजा भी दिया जाएगा। काम और मुआवजे की यकीन दहानी के बाद उनका जो कि समाजी हैसियत है उसको भी तस्लीम किया जाएगा, क्योंकि काम दे देना, फिर मुआवजा दे देना और फिर इज्जत देना, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, और ये एक रियासत की जिम्मेदारी में आता है कि वो आवाम की इन तीनों चीज़ों के ऊपर नज़र रखे कि किसी के साथ किसी सिलसिले में कोई ज़्यादती ना हो। क्योंकि काम देना बहुत अच्छी बात है, काम का पूरा मुआवजा देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ इज्जत देना भी हुकूमत के या अथॉरिटीज़ के फ़राइज़ में आता है। इसी तरह से एक और जो रेजोल्यूशन में दूसरा पॉइंट है वो ये है, टू एश्योर रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग फॉर ऑल, एक्सेस टू जस्टिस, फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर आप देखें कि फलाही रियासत के मकासद में से एक मकसद ये भी है कि ये देखा जाए कि उसकी जिम्मेदारियों में से ये एक जिम्मेदारी है कि हर एक के साथ इंसाफ हो, हर एक को आज़ादी हो। किस चीज़ की आज़ादी? उसके फेथ की आज़ादी, वो जिस भी फेथ के साथ, जिस भी यकीन के साथ, जिस भी मज़हब के साथ, जिस भी एतकाद के साथ ज़िंदा रहना चाहे कोई भी शख्स। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बात करने की इजाज़त हो,
यहाँ ये बात बहुत अहम है कि ये समझा जाए, आमतौर पे कहा जाता है जी फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच देने से ये होता है कि बाज़ लोग अपनी हदूद जो हैं वो क्रॉस कर जाते हैं, अपनी हदूद का ख्याल नहीं रखते, वो हदूद फलांग जाते हैं। तो इसके लिए भी माशरा और हुकूमत दोनों ज़िम्मेदार हैं। माशरे में तरबियत का ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि लोगों को ये पता हो कि किसने कहाँ पर क्या बात करनी है। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने से पहले फ्रीडम ऑफ एजुकेशन की बात होनी चाहिए कि लोगों में इस तरबियत और इस तालीम को आम करने की जिम्मेदारी भी हुकूमत की जिम्मेदारियों में से, वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारियों में से आती है कि वो ऐसी तरबियत फराहम करें कि जिसमें लोगों को ये पता हो कि उन्होंने किस वक्त कहाँ पर क्या बात करनी है। जैसा कि बहुत सारे मुल्क आजकल इसको कामयाबी के साथ कर भी रहे हैं, मसलन जापान को ले लें। जापान में लोग अपने काम से काम रखते हैं, वो उनकी ये खबरें तो आती हैं कि काम करते करते वो फोत हो गए, लेकिन इस तरह की कोई खबर नहीं आती कि उन्होंने काम ना करके जो है उनको कोई मसला हुआ। वो अपने काम के ऊपर सबसे पहले फोकस करते हैं, इसके बाद वो दीगर दिलचस्पियों में हिस्सा लेते हैं। इसी तरह से उनमें उनको ये पता होता है कि एक सिस्टम काम कर रहा है और इस सिस्टम के अंदर उन्होंने तमाम उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनको पूरा करना है। क्योंकि अगर हर बंदा जो है वो प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करेगा, एक निज़ाम बनाया गया, ठीक है जी, आप सोच समझ के निज़ाम को पर काम करें और निज़ाम को तश्कील दें। ये पहले इसका पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप निज़ाम को या सिस्टम को, जो भी कोई इदारा है, कोई दफ्तर है, कोई स्कूल है, कोई कोई फैक्ट्री है, कुछ भी है, उसमें सबसे पहले जो आप सिस्टम जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो तश्कील देने जा रहे हैं, वो देखें कि वो क्या है, उस पर अच्छी तरह गौरवगोज़ कर लें, बहसो तमीज़ कर लें। जब आप एक दफ़ा ये कह दें कि जी, मसलन बहुत सारे इदारों में कहा जाता है कि जी ये आपने अपना आईडी कार्ड डिस्प्ले करना है, ठीक है, ये आपने कह दिया जी आईडी कार्ड डिस्प्ले होना चाहिए। अब आपको बहुत सोच समझ के ये असूल जो है अपने दफ्तर में लागू करना चाहिए। आपने अगर क्योंकि आपके कारकुनों को, आपके दफ्तर में काम करने वाले लोगों को इस चीज़ की उनको तरबियत होनी चाहिए, ये उनकी तरबियत का हिस्सा होना चाहिए कि एक अगर असूल बन गया है तो आपने उस पर अमल करना है। ठीक है, अगर आपने असूल नहीं बनाया वो एक अलग बात है, या अगर आप ये कहते हैं कार्ड डिस्प्ले करने से अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये करने या ना करने से, तो आप कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब एक असूल बना दिया गया है तो फिर सब लोगों को ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि फिर उन्होंने इस असूल की पाबंदी करनी है, क्योंकि ये एक प्रोसीजर है और एक कि आपको दफ्तर में एंटर होने से पहले, दफ्तर में दाखिले से पहले आपके पास कार्ड होना चाहिए, तो फिर आपको उसकी पाबंदी करनी ही करनी है। ये इस तरबियत का इंतज़ाम भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों को इस तरह की तरबियत दे कि वो माशरे के एक मुफीद शहरी बन सकें, जगह जगह पर मसाइल खड़े ना करें। प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, आपने कंप्यूटर पे अक्सर देखा होगा एक टर्म आती है कि उनको ट्रबल मेकर नहीं होना चाहिए, ट्रबल शूटर होना चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो है वो जैसे अलामा इकबाल ने कहा कि अजब दस्तूर ज़ुबां बंदी है तेरी महफिल में, बात करने को तरसती है ज़ुबां मेरी, तो ये नहीं होना चाहिए। बल्कि आप लोगों को फलाही रियासत के रेजोल्यूशंस में से है, मकासद में से है कि लोगों को बात करने की इजाज़त दें, लेकिन बात कैसे करनी है इसके लिए भी माशरा और हुकूमत जो है वो ज़िम्मेदार हैं कि उनको प्रोसीजर्स का पता हो, उनको इस बात का अंदाज़ा हो कि किस वक्त किसने कहाँ पर कैसे बात करनी है। इसी तरह से एंड ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजंस ऑफ एग्जेक्टिव, इसी तरह से जो जो अथॉरिटीज़ होती हैं, क्योंकि हुकूमत के अंदर और माशरे के अंदर जब हम हुकूमत की बात करते हैं तो इसमें से बाज़ लोगों के ऐसी जिम्मेदारियाँ होती हैं जिसकी वजह से उनको कुछ मराद दी जाती हैं या कुछ सहूलतें दी जाती हैं, जैसे कि एक जज होता है उसको सज़ा देने का इख्तियार हासिल है। ये एक बहुत बड़ा इख्तियार है, और खाली इख्तियार नहीं, इसके साथ जिम्मेदारी भी है। उससे पहले ये जज की जिम्मेदारी है कि वो अच्छी तरीके से मामले की छानबीन कर ले कि आया मुलजिम जो है वो मुजरिम है भी या नहीं।
जब एक जज अच्छे तरीके से इस बात का यकीन कर लेता है कि वो किसी शख्स के बारे में वो ये उसको पता चल जाता है दलाइल के ज़रिए, दलाइल सुनने के बाद कि उसके साथ कैसे इंसाफ करना चाहिए, तो फिर उसके फैसले में बिल्कुल शफाफियत होनी चाहिए या बिल्कुल वो उसको दुरुस्त फैसला करना चाहिए। और ये जो है ऐसे लोगों को एग्जेक्टिव्स कहते हैं, और एग्जेक्टिव्स के फैसलों में अगर शफाफियत होगी तो जाहिर है लोग उनके फैसलों से खुश होंगे। और ये आपने शायद ये सुना होगा कि तारीख में ऐसी हुकूमतें भी चल गईं, बल्कि बड़े करोफर से चल गईं, जैसे कि फिरौन मिस्र थे, ठीक है, बड़ी उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त तारीख है और बड़ी शानदार तारीख है, बड़े करोफर के साथ उन्होंने हुकूमतें की। आज भी उनकी ममीज जो हैं अजायब घरों की जीनत बनी हुई हैं। तो उन्होंने बड़े करोफर के साथ हुकूमतें की, लेकिन उन्होंने साथ शिर्क किया, शिर्क का गुनाह किया। तो एक दफ़ा किसी ने किसी फरिश्ते ने सवाल किया कि अल्लाह पाक, अगर ये अगर शिर्क कर रहे थे तो आपने इनको इतनी ढील क्यों दिए रखी, इनको इतनी शानदार हुकूमतें क्यों दी? तो जवाब आया कि ये मुशरिक तो ज़रूर थे मगर इंसाफ करते थे। अब आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि किसी के सही फैसले का माशरे में इंसाफ करने का कितना बड़ा किरदार है और इसमें कितना बड़ा वस्फ है। एक वेलफेयर स्टेट के अंदर, एक वेलफेयर स्टेट की, एक फलाही रियासत की ये खूबी है और उसके ये मकासद में से एक मकसद है कि उसके एग्जेक्टिव्स के फैसलों में, उसके बड़ों के फैसलों में कोई भी कदगन ना लगा सके, कोई भी उसके ऊपर उनके ऊपर उंगली ना उठा सके, और वो जो फैसले हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए। अगला पॉइंट है, द वेलफेयर स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एजुकेशन, हाउसिंग, राशन, हेल्थ केयर, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, सिक लीव और टाइम ऑफ ड्यू टू इंजरी, हेल्थ फैसिलिटीज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ आपने देखा कि तकरीबन जिंदगी के सारे पहलू, जो नुमाया पहलू हैं, वो सब के सब जो हैं एक वेलफेयर स्टेट के की जिम्मेदारियों में से हैं और उसके मकासद में से हैं कि इनके इनकी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत के ऊपर आयद होती है, और ये हुकूमत की रेजोल्यूशन के अंदर शामिल है कि वो लोगों के खाने पानी, उनके लिए घरों का इंतज़ाम करे, उनकी उनको सेहत की सहूलतें दे, उनको अगर वो बूढ़े लोगों के लिए उनके हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, बेरोज़गारों के लिए उनके हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, अगर किसी वजह से किसी को काम नहीं मिल रहा या कोई मुश्किल पेश आ गई है मुल्क में, तो उनके लिए, लोगों के लिए खाने पीने का, उनका तन ढांपने के लिए कपड़े का, और कम से कम उनको रिहाइश के लिए इतना इंतज़ाम ज़रूर होना चाहिए कि माशरे में कोई बेचैनी ना फैले। इसी तरह से बीमारी की सूरत में अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए उसको सहूलत देनी चाहिए, उसको उसको सेहत की सहूलियात फराहम करनी चाहिए। इसी तरह से हर एक को बराबर काम करने के मौके देने चाहिए ताकि लोगों में अमन कायम रहे, क्योंकि वेलफेयर स्टेट का जो बुनियादी मकसद है वो माशरे में अमन कायम रखना है। इसी तरह से इट इज़ ऑल्सो delivers public transportation, child care, social well-being such as public parks and libraries as well as many other services. फलाही रियासत के मकासद में से एक मकसद ये भी है कि खाली बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखना ही एक फलाही मुमलिकत का काम नहीं, बल्कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बच्चों के से मुतलिक जो सेहत सहूलियात हैं, लोगों के बारे में, लोगों को जो एंटरटेनमेंट के लिए जैसे पब्लिक पार्क्स हैं या लाइब्रेरीज हैं, इनके ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसी तरह से एन आइडियल वेलफेयर स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन राइट्स सच एज राइट ऑफ नॉन मुस्लिम्स, राइट ऑफ वुमेन, राइट्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्निंग एंड वर्क, राइट्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच एट्सेट्रा। इसमें भी कमोबेश जो हमने पहले बात की है इसी बात का इजहार है कि ना सिर्फ इसमें एक ही नई बात है कि एक इस्लामी फलाही रियासत के अंदर गैर मुस्लिमों के हकूक का भी पूरा पूरा ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी है। इसी तरह से ख्वातीन के हकूक़ का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। इसी तरह से हर एक को मौके की काम करने के, पढ़ने के, मुख्तलिफ तरह के सरगर्मियों में हिस्सा लेने के जो मौके हैं वो हर एक के लिए
हर एक के लिए होने चाहिए और उसमें कोई कोई ऐसी चीज ऐसी फेवर किसी को खास तबके को नहीं देनी चाहिए, बल्कि हर एक के लिए हर एक को ये यकीन होना चाहिए कि उसके उसके साथ कोई बेइंसाफ़ी नहीं हो रही और ये मौके जो हैं वो हर एक को मिल सकते हैं। इसी तरह से राइट ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है इसमें, और इससे पहले हम इस पर तफसील से बात कर चुके हैं। इसी तरह से अब सवाल ये पैदा होता है कि चलें ठीक है, ये वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन आपके जहन में क्लियर हो गई, फिर आपको ये भी पता चल गया कि वेलफेयर स्टेट के मकासद क्या होते हैं। अब ये मैं दोबारा आपको क्याम पाकिस्तान और क्याम पाकिस्तान के साथ नज़रिया पाकिस्तान और इसके साथ एक पाकिस्तान एक फलाही रियासत के तौर पे आपको दोबारा इस तरफ लेके आ रही हूँ कि कायद आज़म का क्या ख्याल था कि कायद आज़म जो है वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को किस तरह से देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि मेरे पास इस हवाले से आई हैव स्टेटमेंट रिलेटेड टू कायद आज़म। कायद आज़म सेज It is not our purpose to make the rich richer and to accelerate the process of accumulation in the hands of few individuals. We should aim at leveling up the general standards of living amongst the masses. Our ideals should not be capitalistic but Islamic, and the interest and welfare of the people as a whole should be kept constantly in mind. कायदे आज़म के इस बयान से बड़ी हद तक वजाहत होती है कि कायदे आज़म जो है इसमें दो तीन नुक्ते बहुत आम हैं। एक तो ये कि कायदे आज़म इस मुल्क में हर एक को बराबरी की सतह पर देखना चाहते थे। हर एक फर्द, एक एक फर्द जिसको कहते हैं ना, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, तो हर एक इंडिविजुअल जो है वो कायदे आज़म के नज़दीक बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और इसी तरह से उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि हमारा मकसद जो है वो ये नहीं है कि हम सिर्फ चंद लोगों को जो है वो प्रमोट करें या चंद लोगों को जो है वो पुश्त बनाई करें, बल्कि हमें हर एक के साथ चलना है, हर एक को साथ लेके चलना है। और वी शुड एम एट लेवलिंग अप द जनरल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग अमंगस्ट द मैसेस, तो हमें आम आवाम के अंदर जो है जो उनके उनका मियार ज़िंदगी है उसको हमने उसको हमने एम करना है कि उसको हमने किस तरह से बेहतर बनाना है, ये हमारा मतमय नज़र होना चाहिए। इसी तरह से हमें कैपिटलिस्टिक निज़ाम नहीं लाना। आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में अगरचे ये आपके कैपिटलिज्म भी रूबा जवाल है और ये इसमें भी इसके भी बहुत सारे नकायस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और बहुत सारी हुकूमतें आपने जो भी फाइनेंशियल क्रंच की एक पिछले दिनों एक टर्म चलती रही है, आपको समझ होगी। आपकी दिलचस्पी के लिए यहाँ बताती चलूँ कि दुनिया जो है माशी लिहाज से इस वक्त दो तरह के मुख्तलिफ निज़ामों को फॉलो कर रही है, एक को कहते हैं कैपिटलिस्ट और दूसरे को कहते हैं कम्युनिस्ट। अब जो कुछ जो मुमालिक हैं जिनको हम कैपिटलिस्ट कंट्रीज कहते हैं, वहाँ जो है इस निज़ाम को फॉलो किया जाता है, 100% कहीं भी इन दोनों निज़ामों को नहीं किया जाता, कमोबेश किया जाता है। इसी तरह से जो सोशलिस्ट मुमालिक हैं वो जो हैं वो एक दूसरी तरह के माशी निज़ाम को फॉलो करते हैं, और ये दोनों निज़ाम जो हैं इस वक्त अपने तमाम जुज़ियात के साथ तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक इस पे लोग अमल पैरा हैं। लेकिन कायदे आज़म का ख्याल ये था कि हमने कैपिटलिस्टिक सोच के साथ नहीं चलना, क्योंकि उस वक़्त अंग्रेज़ हुकूमतें जो थीं वो कैपिटलिस्टिक निज़ाम के हक़ में थीं, और क्योंकि हम अंग्रेज़ों के साथ कायदे आज़म का ज़्यादातर उनके बायस मुबायसे चल रहे थे, तो उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पे इस स्टेटमेंट में कहा कि हमने 100% कैपिटलिस्टिक निज़ाम को साथ लेकर नहीं चलना, बल्कि हमने उसमें इस्लामिक इंटरेस्ट को भी देखना है, हमने देखना है कि हम इस तरह के निज़ाम को बाज तब्दीलियों के साथ इस्लामिक रंग के साथ हम किस तरह से पेश कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको लेकर के आगे चल सकते हैं ताकि हम अपने मुल्क को एक फलाही रियासत का दर्जा दे सकें। इसी तरह से कायदे आज़म ने एक और जगह कहते हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह वांटेड पाकिस्तान टू बी अ वेलफेयर स्टेट वेयर देयर वाज जस्टिस इक्वालिटी एंड फेयर प्ले। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन हिज जुलाई 1st 1948 स्टेट बैंक एड्रेस ही सेट अ क्लियर डायरेक्शन
on the future economy of Pakistan, he said that we must evolve banking practices compatible with Islamic ideas of social and economic life. जितना भी माशी निज़ाम है मुल्क के अंदर, कायदे आज़म के इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि वो उसको इस्लाम के साथ, क्योंकि वो कोई माशी मायर नहीं थे, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि जो भी निज़ाम, जो भी माशी निज़ाम पाकिस्तान में अपनाया जाएगा उसको इस्लामी आइडियाज़ के साथ लेके चलेंगे, ताकि उसके असरात जो हैं हमारी माशरती ज़िंदगी के ऊपर मुरतब हों, और जो हमारी माशी और माशरती ज़िंदगी है वो दूसरे किसी निज़ाम के ज़ेरे असर नज़र ना आए, बल्कि उसमें इस्लाम का रंग भी होना चाहिए. इसी तरह से कायदे आज़म वांटेड पाकिस्तान टू बी अ वेलफेयर स्टेट. ऑन March 12, 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान अडॉप्टेड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन which contained principles of forming of the constitution based on Islamic principle including welfare state. Objective resolution, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा अपनी पिछली क्लासेस में. करारदादे मकासिद, इसका उर्दू में तर्जुमा है. करारदादे मकासिद वो पहला डॉक्यूमेंट है, वो पहला एक मसवदा है जो कि पाकिस्तान का आइन तहरीर करने के लिए के सिलसिले में लिखा गया. ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा आइन की जो बुनियाद है वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के ऊपर है, और उसमें उन्होंने जो बुनियादी बात कही वो ये कही कि इस्लामी असूलों के साथ पाकिस्तान को एक फलाही रियासत जो है वो हमने बनाना है. एक और जो मेरे पास स्टेटमेंट है वो है, पाकिस्तान शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो वेस्टर्न इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्रैक्टिस एंड शुड डेवलप इट्स ओन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन ट्रू इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैनहुड एंड सोशल जस्टिस. आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी वजाहत के साथ एक दफ़ा फिर कायदे आज़म ने पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के लिए इस बात पे जोर दिया है कि इस्लामी असूलों को साथ लेकर चलें, ताकि यहाँ पे सोशल जस्टिस के यहाँ पे समाजी इंसाफ कायम हो. समाजी इंसाफ जाहिर है एक फलाही रियासत के तस्वुर के बग़ैर समाजी इंसाफ का जो तस्वुर है वो नामुमकिन है. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है. इसी तरह से आउटलाइनिंग द पर्पस ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, द कायद सेड इन अ स्पीच टू द ऑफिसर्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज ऑन 11 अक्टूबर 1947. क्या कहते हैं, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान वॉज ओनली अ मीन्स टू एन एंड एंड नॉट एन एंड इन इटसेल्फ. द आइडिया वॉज दैट वी शुड हैव अ स्टेट इन विच वी कुड लिव एंड ब्रेथ एज फ्री मैन एंड विच वी could develop according to our own lights and culture and where principles of Islamic social justice could find free play. यहाँ पर भी आपने देखा कि उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ बताया है कि पाकिस्तान, जब हमने पाकिस्तान का क्याम अमल में आ चुका है तो खाली यही हमारी मंजिल नहीं है, बल्कि हमने जिस मकसद के लिए इसको हासिल किया है, एक फलाही इस्लामी फलाही रियासत बनाने के मकसद के लिए, तो हमने इसको बनाना है. इसी तरह से डिस्कसिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन अ मैसेज टू द फ्रंटियर मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन डेटेड June 1945, द कायद डिक्लेयर्ड पाकिस्तान नॉट ओनली मीन्स फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस बट द मुस्लिम आइडियोलॉजी विच हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड, विच हैज़ कम टू अस एज प्रेशियस गिफ्ट ट्रेयर एंड विच वी होप अदर्स विल शेयर विद अस. उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम आइडियोलॉजी है हमने उसको अपनाना है, और उस और ये एक ऐसा कीमती तोहफा है जिसको ना सिर्फ हमने अपनाना है बल्कि उसको हमने प्रैक्टिकली दुनिया के सामने पेश करना है, जो कि हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होगी. यानी जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान बनने के बाद अब यहाँ पर इस्लामी असूलों के साथ, इस्लाम ने जो हमें कानून कायदे सिखाए हैं और आजकल जो मौजूदा दुनिया में चीज़ें चल रही हैं उन सबको मिला के, उन सारी चीज़ों को अपडेट करके, उनको सर्च आउट करके, उनके ऊपर अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद उनको अपने आज के माहौल के मुताबिक, इस्लाम के असूलों के मुताबिक बनाने के बाद हमने दुनिया के सामने पेश करना है. और आपको पता है कि इस वक्त इसकी ज़रूरत भी है. जो जो बिज़नेस एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं ये उनके लिए एक
वो लोग जो कि आजकल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज पढ़ रहे हैं या जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स बनना चाहते हैं, एमबीए के कोर्सेज पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इस नुक्ते पे गौर करें कि कैसे उन्होंने इस्लाम के माशी निज़ाम को अपडेट करना है और आजकल के निज़ामों का मुताला करते हुए उसके ऊपर एक कंपेरेटिव स्टडी करने के बाद उसको और इस्लामिक निज़ाम माशी निज़ाम को देखने के बाद उसमें से कंक्लूड करें कि हम क्या क्या ऐसा दुनिया को बता सकते हैं। क्योंकि अभी देखें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म तकरीबन इन दोनों का डिक्लाइन है और इस डिक्लाइन की वजह से एक वैक्यूम मौजूद है इस सेक्टर में। उस सेक्टर को फिल अप करने के लिए अगर हम मेहनत करें, अगर हम रिसर्च करें, तो हम बहुत आसानी के साथ कायदे आज़म की इस ख्वाब की ताबीर देख कर सकते हैं। इसी तरह से In his presidential address at the special Pakistan session of the Punjab Muslim Students Federation on 2nd March 1941, the Qaid said, "We are a nation, and a nation must have a territory. What is the cause of merely saying that we are a nation? Nation doesn't live in the air. It lives on the land. It must go on land, and it must have territorial state, and that is what you want to get." कायद आज़म का ये बयान बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही वजाहत के साथ, बहुत ही गहराई के साथ बताता है। ये बयान जो है 2nd March 1941 का है, 1941 में उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम एक कौम है, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने नेशनलिज्म और कौम की डेफिनेशन पढ़ी, नेशन की डेफिनेशन पढ़ी, नेशनलिज्म की डेफिनेशन पढ़ी, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हम एक कौम हैं और एक कौम जो है उसको लाजमन एक एक टेरिटरी की या एक एक ऐसी एक रियासत की ज़रूरत होती है। और जो रियासत, वरना हम खाली खुली नेशन इस तरह से नहीं रह सकते रियासत के बगैर, यानी उसको एक जियोग्राफिकल जो है रिकग्निशन भी चाहिए होती है। खाली एक नेशन जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल। और नेशन स्टेट में कब कन्वर्ट होता है? व्हेन दे हैव अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। और वो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया जब किसी कौम को दे दिया जाता है तो देन दैट नेशन डिक्लेयर इटसेल्फ एज स्टेट और कंट्री। तो ये इस बात की वजाहत की गई। और किस तरह का कंट्री, कैसी स्टेट, वो मैं आपको पहले वाली इन तकारीर के हवाले से भी बता चुकी हूँ। वो ऐसी हुकूमत, ऐसी स्टेट, एक कौम की एक ऐसी हुकूमत, ऐसी रियासत जिसमें कि इस्लाम के मुताबिक असूल जो हैं वो अपनाए जाएं, लेकिन खाली खोली वो वाले नहीं कि जो पुराने ज़माने के या जो जिस पे अब मजीद रिसर्च नहीं हुई हुई, बल्कि आजकल के जदीद दौर के तकाज़ों के। इस्लाम में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये रिलीजन ऑफ नेचर है, हमारी ह्यूमन साइकी के करीब है। बहुत सारे उलमा का इसके ऊपर, बहुत सारे स्कॉलर्स के इसके ऊपर रिसर्च मौजूद है। और हम सिर्फ हमने करना ये है कि हमने उन जो काम हो चुका है उसको लेकर के हमने नए हालात और नए तकाजों के मुताबिक उसको ढालना है, ये अब हमारा काम है। इसी तरह से Discussing the philosophical difference between Islam and Hinduism, the Qaid Azam declared at the All India Muslim League Lahore session on 23rd March 1940, "It is extremely difficult to appreciate why our Hindu friends fail to understand the real nature of Islam and Hinduism." ये इस बारे में बात पिछले लेक्चर में भी हो चुकी है, लेकिन इसको इस लेक्चर में क्यों शामिल किया गया है ये पूरी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मैं आपको बताती हूँ। दे आर नॉट रिलीजन्स इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ड बट आर इन फैक्ट डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट सोशल ऑर्डर्स एंड इट इज़ अ ड्रीम दैट द हिंदूज एंड मुस्लिम कैन एवर इवॉल्व अ कॉमन नेशनैलिटी। द कायद फर्दर एक्सप्लेन दे नीदर इंटरमैरी नॉर इंटरलाइन टूगेदर एंड इनडीड दे belong to the two different civilizations which are based mainly on conflicting ideas and conceptions. Their concepts on life and of life are different. It is quite clear the Hindus and the Muslims derive their inspirations from different sources of history. Yahan par Qaid Azam ne bada hi clearly bataya ki Hindu aur Musliman do alag alag qaumein hain और दो अलग अलग
मुआशरे हैं जो कि इकट्ठे नहीं रह सकते, और अगर वो इकट्ठे नहीं रह सकते तो दोनों कम्युनिटीज़ को और दोनों सोसाइटीज़ को, क्योंकि दोनों सोसाइटीज़ उस वक़्त ज़ोर लगा रही थी कि वो एक कौम है, तो दोनों कौमों को अपनी पहचान के लिए, इस दुनिया में अपनी शिनाख्त के लिए एक 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 रियासत की ज़रूरत है, और उस रियासत के क्याम के लिए जियोग्राफिकल आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल मेंटेन्ड होनी चाहिए, आप क्योंकि उसके बगैर वो अपने आप को एक कौम और एक रियासत के तसव्वुर पे पूरे नहीं उतर सकते। और जब वो एक कौम और एक रियासत अपने आप को डिक्लेयर कर दें तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के लिए उनके जो ख्यालात हैं वो आपको पता हैं। अब मैंने बहुत सारी कायदे आज़म की तकारीर के हवाले से बताया कि उनको पाकिस्तान को एक फलाही रियासत या एक वेलफेयर स्टेट डिक्लेयर करना है। इसके बाद उन्होंने इस पे बात नहीं की कि हिंदुओं ने क्या करना है या उनकी रियासत के अंदर क्या होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ उन्होंने बात पाकिस्तान के क़याम और पाकिस्तान के निज़ाम के बारे में बात की है। दे हैव डिफरेंट एपिक्स, डिफरेंट हीरोज एंड डिफरेंट एपिसोड्स, वेरी ऑफन द हीरो ऑफ वन इज द फो ऑफ द अदर, एंड लाइक वाइज देयर विक्ट्रीज एंड डिफीट्स ओवरलैप। To yoke together two such nations under a single state, one as a numerical minority and the other as a majority, must lead to growing discontent and final destruction of any fabric that may be built up for the government of such a state. यहाँ पे उन्होंने बताया जो एक कौम के हीरो हैं वो दूसरे कौम के हीरो नहीं हैं, जो एक कौम के लिए बहुत इज्जत वाले हैं वो दूसरी कौम के लिए इज्जत वाले लोग नहीं हैं। तो ऐसे दो माशरों के लोगों को एक ही हल में जोते रखना, आपने हल शायद देखा होगा, अगर आपको कभी किसी गांव में जाने का इत्तेफाक हुआ है या आप गांव में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हल जोता जाता है तो जो आजकल तो ट्रैक्टर का ज़माना है अगरचे, लेकिन अगर आप पिछला थोड़ा सा अगर आप पीछे देखें या हम हिस्ट्री देखें, इधर इस्लामाबाद में भी यहाँ पर एक म्यूज़ियम मौजूद है जिसमें कि हमारी पूरी कल्चर और सिविलाइजेशन को बताया गया, और उसमें भी हल कैसे जोता जाता है, उसमें बैल कैसे जो हैं उन दो बैलों को इकट्ठे मिलके वो चलते हैं और ज़मीन जो है उसमें हल चलाया जाता है। तो वो जो है दो बैलों को जैसे इकट्ठे जोत दिया जाए और दोनों एक दूसरे के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चल रहे हों तो ऐसे में ज़मीन को हमवार करना नामुमकिन हो जाता है। इसी बात का जिक्र जो है वो कायदे आज़म ने किया है कि जब दो ये मुआशरे ये दोनों कौमें ही अलग अलग हैं, फिर दोनों मुख्तलिफ आगे चल कर भी अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के बाद भी आगे चल कर भी ये दो मुख्तलिफ निज़ामों के तहत रहना जा रहे हैं, तो फिर उनको उनके इकट्ठे रखने का कोई जवाब नहीं है, और अगर ऐसी कोई कोशिश की गई तो वो कारगर साबित नहीं होगी या उसका नतीजा जो है वो अच्छा नहीं निकलेगा। इसी तरह से इनफैक्ट द कायस कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान वॉज दैट इट वुड बी एन इस्लामिक वेलफेयर स्टेट। ठीक है, इसी को कंक्लूड करते हुए, इसी स्पीच को कंक्लूड करते हुए कायदे आज़म कहते हैं कि इनफैक्ट द कायदे कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान वाज दैट इट वुड बी एन इस्लामिक वेलफेयर स्टेट वेयर नो वन वुड बी एक्सप्लॉयटेड। ऑल्सो इन द इस्लामिक वेलफेयर स्टेट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू सी दैट देर इज़ नो वन विदाउट फूड एंड क्लॉथ एंड एवरी इंडिविजुअल इज एट लीस्ट प्रोवाइडेड विद बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। यहाँ पर बड़ी वजाहत के साथ कायदे आज़म ने यह बताया कि इस्लामिक फलाही रियासत का मकसद ये है कि उसमें रहने वाले तमाम लोगों को ज़िंदगी की तमाम बुनियादी ज़रूरतें और सहूलतें हासिल हों। नाउ लुक एट द लिस्ट ऑफ द इस्लामिक स्टेट्स वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इस्लामिक स्टेट वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल फूड, हेल्थ, शेल्टर एंड सिक्योरिटी, दीज आर द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वेलफेयर स्टेट। As per the Quranic teachings, the Islamic state should generate equal rights and the provisions of basic necessities to all ethnic, regional, cultural, tribal and religious groups. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "One who treads a path in search of knowledge has his path to paradise made easy by God." So provision of education is a responsibility of the Islamic state. Gender equality, freedom of thought and expression, protection of religious sentiments, equality before law,
एंड द प्रॉफिट सेज दैट लाइफ एंड ब्लड ऑफ मुस्लिम्स आर इक्वली प्रेशियस. राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स. इस्लाम हैज ऑल्सो लेड डाउन राइट्स फॉर नॉन मुस्लिम्स हु मे बी लिविंग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एन इस्लामिक स्टेट. सो द होली कुरान हैज रेफर टू द बेसिक ह्यूमन नीड्स इन दीज वर्ड्स. देर इज enough provision for thee not to go hungry, not to go naked, nor to suffer from thirst, nor from the sun's heat. इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा दीन कितना यूनिवर्सल है और कितना किस इसमें ह्यूमैनिटी के ऊपर, इसमें ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर कितना जोर दिया गया है. द राइट टू बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. द गवर्नमेंट इज द गार्डियन ऑफ एनी वन हु हैज नो अदर गार्डियंस. तर्मिज़ी में ये हदीस भी की है, अबू दाऊद और तर्मिज़ी में इसका हवाला मौजूद है कि गवर्नमेंट जो है हर उस शख्स की ज़िम्मेदार है जिसका कोई ज़िम्मेदार नहीं, जिसका कोई नहीं है अल्लाह के सिवा. अल्लाह के बाद हुकूमत वक्त जो है वो उसकी ज़िम्मेदार है. द अबव मेंशन सेइंग ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड एनी डाउट दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग बेसिक नीड्स टू सिटीजंस लाइज ऑन द Islamic on the Islamic state. In this matter, Islam has made no distinction between the Muslim and non-Muslim. So this is the golden concept of the Islamic welfare state. It's a golden principle of the Islamic welfare state. Currently, Pakistan does not resemble with the ideal Islamic welfare state which the Qaid had envisioned and would have tried to exercise had he lived longer. So now it's our responsibility to pay attention to this policy matter. क्योंकि कायदे आज़म अब इस दुनिया में नहीं. कायदे आज़म को ने पाकिस्तान को बना दिया. अल्लाह ताला की रहमत शामिल ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, अल्लाह ताला की रहमत से और कायदे आज़म की कोशिशों से उस ज़माने के और जो हमारे लीडर थे, क़यादत थी, उसकी कोशिशों से और बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे गुमनाम शहीदों की कुर्बानियों के बाद ये पाकिस्तान वजूद में आया. लेकिन हम अभी तक इसको एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट नहीं बना सके. आप अच्छे इंजीनियर ज़रूर बनिए, आप अच्छे साइंसदान ज़रूर बनिए, आप अच्छे डॉक्टर ज़रूर बनिए, आप अच्छे बिजनेस एग्जीक्यूटिव ज़रूर बनिए, आप कुछ भी बनिए, लेकिन ये याद रखें कि सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है. और आप पाकिस्तान में तालीम हासिल करने के बाद जिस जगह पर भी काम कर रहे हों, आपको चाहिए कि आप इस सिलसिले में, पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनाने के सिलसिले में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि ये हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है और इन ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए ही आपको पाकिस्तान स्टडीज़ का कोर्स पढ़ाया जा रहा है. तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? A quick recap of the today's lecture. What is the concept of welfare state, history of welfare state, and resolution of the welfare state, Qaid-e-Azam and the concept of welfare state, Islamic state's welfare responsibility. These are different points which we have discussed in today's lecture. Now the conclusion. Today I am going to conclude my lecture with this Dutch proverb. It says, money is lost, nothing is lost. Courage is lost, much is lost. Honor is lost, most is lost. Soul is lost, all is lost. Means, soul means here, if you, if me, and if we have not this nation, this country, then there is nothing. हमें इस बात पे, इस बात का अहद करना है कि हमने अपने मुल्क को कौम के लिए काम करना है और हमने अपने मुल्क को कौम को एक मज़बूत इस्लामी फलाही रियासत का रूप देना है. बहुत शुक्रिया.